There are a few things which I already discussed with you yesterday. I'm just going to go over all of these. If we are using the word square of a number, that means we are talking about exponent 2. अगर हम बोलते हैं कि किसी नंबर का स्क्वायर करना है, means आपको उस नंबर का एक्सपोनेंट क्या लगाना है, 2 लगाना है. एंड हाउ डू यू राइट दैट? आप 7, सपोज आप 7 का स्क्वायर लिख रहे हो, वो जो पावर 2 आती है वो ऊपर लिखते हैं हम, सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं उसको, एंड वी रीड इट एज 7 स्क्वायर्ड. व्हेनेवर वी आर स्पीकिंग 7 स्क्वायर्ड, दिस डी एट द एंड ये थोड़ा साइलेंट सा लगता है, तो हम 7 स्क्वायर बोल देते हैं. The answer which you obtain after calculating this, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, सपोज आपने 7 का स्क्वायर सॉल्व किया, 7 into 7, the answer comes out to be 49. इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर नंबर. स्क्वायर सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, that answer is called a square number. And the square numbers are also called as perfect squares. तो अगर आपको कोई पूछता है कि ये वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, for example, if I ask you, is 81 a perfect square? Yes, yes. You're going to think of a number. Think of a number jiska square 9. Aapko 81 mil jaye. Agar aap aisa number dhoond pa rahe ho, if you can find such a number jiska square 81 mil raha hai, in this case it's 9. In this case, it's 9. 9 ka square karke hume 81 mil raha hai. Toh hum kya bolenge? Yes, it is a perfect square. Ab aapke paas ek aur example hai. Suppose main aapko bolti hu 85. Is there any number jiska square karne pe aapko 85 milega? No. Ma'am, no. Nahi possible, right? So this number is not a perfect square. Is tarah ka agar number hai, jo kisi ka square karke nahi mila. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. हम 25 इज अ स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर. यस, इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सो यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा है कि जैसे आप 1 का स्क्वायर करके जो आंसर आएगा, 2 का स्क्वायर कर रहे हो, 3 का स्क्वायर कर रहे हो, 4 का स्क्वायर कर रहे हो, इन सभी को स्क्वायर नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर. ये वर्ड आगे बहुत बार यूज होगा आपके क्वेश्चन में. ज्योमेट्रिकली अगर हम स्क्वायर को मैथमेटिकली सोचें, अरिथमेटिक की फॉर्म में, तो पावर 2 से निकलता है. स्क्वायर को अगर हम ज्योमेट्रिकली अंडरस्टैंड करना चाहें तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया रिप्रेजेंट करता है. अब मैंने लिखा 7 स्क्वायर, इस 7 स्क्वायर को मैं क्या बोल सकती हूँ? इट इज रिप्रेजेंटिंग एरिया ऑफ अ स्क्वायर हूज साइड इज 7. बताओ, यही आंसर आएगा ना? अगर आपके पास कोई स्क्वायर हो जिसकी साइड 7 यूनिट्स है, तो उसका एरिया क्या निकलेगा? Yes, side into side. Actually is side square. Side into side is actually side square. I think yesterday one of the students were asking if we have x into x. If you have any variable, number नहीं है आपके पास, how do you write it in exponential form? Repeated multiplication. Ma'am, x 2. Ma'am, x square. X. मैम 2x नहीं लिखेंगे, x2 लिखेंगे ऊपर. मल्टीप्लिकेशन में पावर लगती है, एडिशन में आगे कांस्टेंट लगता है. एडिशन होती तो 2x बनता, x प्लस x होता तो 2x बनता. मल्टीप्लिकेशन में क्या लगेगी? पावर लगेगी. जितनी बार यहाँ पे आपको x नजर आ रहा है, उतना एक्सपोनेंट आ जाएगा. अब यहाँ पे ये जो लास्ट में एक नोट लिखा है, लेट m बी अ नंबर. मान लो आपको कोई नंबर दिया हुआ है, इसको हम स्क्वायर नंबर कब कहेंगे? As I said, किसी भी नंबर को अगर आप स्क्वायर नंबर बोलते हो या परफेक्ट स्क्वायर बोलते हो, तो आप क्या ढूंढने की कोशिश करोगे? N into N. Not exactly, उसका नहीं करना आपको. If I say 100 की बात करो, चलो मैंने ऊपर 81 लिया था, 100 ले लेते हैं. 100 को 10. Yes. 10 into 10. 10 into 10 से 100 बनता है, तो 100 को मैं स्क्वायर नंबर बोल सकती हूँ. What about 110? No, ma'am, उसका not possible. तो यहाँ पे ma'am possible है. कैसे? ma'am no, नहीं, ma'am वो multiple बन जाएगा. भाई वो 11 tens होता है. पता है, वही same number होना चाहिए. It's okay, it's okay, it's completely fine. We are doing it for the first time. It's okay. So
यहाँ पे सिर्फ यही लिखा है कि किसी भी नंबर को अगर आपको स्क्वायर नंबर बोलना है तो आप क्या ढूंढ रहे हो कि ऐसा कोई और नंबर हो जिसका स्क्वायर करके आपको m मिल रहा हो. 100 जैसे है, 100 कहाँ से आता है? 10 का स्क्वायर करके. इफ आई टॉक अबाउट 200 किसी का स्क्वायर करके नहीं मिलेगा. 200 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर. सो दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड दैट. एंड नाउ वी हैव द प्रॉपर्टीज. दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे कि अगर हम नंबर की वंस प्लेस देखें, वंस प्लेस को हम यूनिट्स प्लेस भी बोल देते हैं. ठीक है, वंस प्लेस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज यूनिट्स प्लेस. तो कोई भी नंबर है उसकी यूनिट्स प्लेस क्या है? यूनिट्स प्लेस होगी जो लास्ट डिजिट होगा उस नंबर का. अगर आपका नंबर मैम इज 10,000 अ परफेक्ट नंबर? परफेक्ट स्क्वायर, यस. 10,000 स्क्वायर मैम, यस मैम. 100 into 100 इट इज ऑब्टेन्ड बाय स्क्वायरिंग 100. यस मैम. अगर आप बता दो कि ये नंबर किसका स्क्वायर करके आया तो उसको आप आराम से परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे ये हमने कल टेबल डिस्कस किया था. इस टेबल में आई वांट यू टू लुक एट द आंसर्स. आंसर में चेक करो कि हमारे पास जो लास्ट में डिजिट आ रहा है वो कौन कौन से डिजिट्स आ रहे हैं. आपको जीरो नजर आ रहा है पीछे? यस. वन भी नजर आ रहा है आंसर में? वन नजर आ रहा है. टू नजर आ रहा है? यस. डिजिट्स आई इन सर्कल. डू यू सी 8? मैम नो. नो. 9? यस. मैम यस. यस मैम. तो अगर आप स्क्वायर करते हो किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो, लेट्स इग्नोर के वो नंबर कहाँ पे खत्म होता है. लेट्स जस्ट कंप्लीटली थिंक, फॉरगेट अबाउट कि हमारा नंबर कहाँ पे खत्म हो रहा है. एक बात तो कंफर्म्ड है, स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आएगा पीछे ये वाले डिजिट्स आएंगे 0, 1, 4, 5, 6, 9. स्क्वायर करने के बाद पीछे 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता. किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो द आंसर विल नॉट हैव 2, 3, 7, and 8 एट द एंड. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी आफ्टर ऑब्जर्विंग. दिस इज द ऑब्जर्वेशन. अगर हमने स्क्वायर किया है तो वंस प्लेस पे हमें ये वाली डिजिट्स मिलते हैं. जो बाकी रह गए डिजिट्स कौन कौन से रह गए? 2, 3, 7, 8 ये नहीं आते पीछे, कभी भी नहीं आएंगे. Square number zero. Does not have the following digits at ones place. So, अगर मैं आपको पूछूं बेटा ये number है, अगर वो digits उसके पीछे आते हैं मतलब वो perfect square नहीं है. नहीं है. If any number ends with 2, 3, 7, or 8, it is not a perfect square. Ma'am. If any number, yes, बेटा. Ma'am, अगर मैम कोई भी number मैम जैसे मैम अगर 3 से भी अगर जाता मैम जैसे एंड होता है तो मैम मैम अगर उसके मैम 3 के बाद भी अगर उसका एक पॉसिबल नंबर निकल जाता है लाइक 4 या 5 तो मैम फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? यू आर सेइंग के 3 के बाद आगे और डिजिट्स आ रहे हैं मैम? यस. यस ऑफ कोर्स, इन दैट केस इट्स पॉसिबल, बट हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं वो सिचुएशन तब नंबर के लास्ट में लगा. अब 2 वाले नंबर सोचो कौन कौन से हैं? 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 72. ये वाले नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. फिर 3 वाले 100 to 112, 120 to 132. इफ अ नंबर एंड्स विद 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. सेम थिंग विद 3, 7, and 8. This is something I've written at the end here. कि यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे ये property थी. Your kingdom. Ninth one. Can we take out printouts of it? Yes, of course. You can save. PDF. I have sent the PDF. You can save the PDF for revision. If you don't want to write this, save it with yourself. No, मैं लिख ही लेते हैं. Whichever is suitable to you. ओके okay, अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, वो नंबर
कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसके अलावा कल एक और चीज हमने ऑब्जर्व की थी, अगर हमारे नंबर के पीछे जीरो आए और उसका हम स्क्वायर करें तो व्हाट हैपेंस टू द जीरोस? मैम हमेशा जीरो ही आएगा उसके पीछे जो और जीरोस हो जाती हैं डबल। यस मैम, यस डबल। अब आप चेक करो, मैं यहाँ पे ना तीन नंबर्स लिखूंगी, आपने चेक करना है कि जब उसका स्क्वायर किया जाएगा आंसर में जो जीरोस आएंगी, सिर्फ जीरोस काउंट करना, द नंबर ऑफ जीरोस इज इवन और ऑड। लेट्स टेक 10 स्क्वायर, एक बार ले लेते हैं 200 का स्क्वायर एंड एक बार हम ले लेते हैं 1000 का स्क्वायर। मैम 10 का 100 मैम 10 का 100 मैम 200 का मैम 400 और मैम 1000 का मैम 1 लाख 10 लाख 10 लाख 1 लाख मैम 10 लाख नहीं आएगा 10 लाख 3 जीरोस है ना डबल हो जाएंगी 1000 इनटू 1000 6 जीरोस आएंगी पीछे लाख में 5 जीरोस होती है गलती हो जाती कई बार हां अब इसमें चेक करो कितनी जीरोस हैं मैम इवन नंबर में आ रही है इवन है मैम ये भी इवन है मैम ये भी इवन है स्क्वायर करने के बाद अगर आप जीरोस काउंट करते हो हमेशा कितनी होंगी इवन नंबर में होंगी 2, 4, 6, 8, 10, 12 इतनी जीरोस होंगी ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं होंगी तो अगर किसी नंबर के पीछे ऑड नंबर ऑफ जीरोस आ रही हैं तीन जीरोस आ रही हैं पांच जीरोस आ रही हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा यस एकलव्य और प्लीज एडमिट जितिन क्लास ओके आई थिंक आई हैव एडमिटेड हिम 2-3 टाइम्स ही इज गेटिंग डिसकनेक्टेड इवन दीक्षा एंड Yes, one more student was in the waiting room. I have admitted them. They are again in the waiting room. Okay. I think this is clear. कि अगर हमारे पास number के पीछे 2, 3, 7, 8 आ रहा है और odd number of zeros आ रही हैं, तो वो सीधा ही हम कह सकते हैं कि ये perfect square नहीं होगा. Going back to the table, अब हमने ये भी देखा था कि अगर हमारा number 1 पे या 9 पे खत्म होता हो. Now I have just written this in a concise form. इकट्ठा करके बना दिया. नंबर अगर खत्म होता है 1 पे या 9 पे स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आएगा वो कहां पे खत्म होगा मैम क्या क्वेश्चन क्या है मैम इफ योर नंबर एंड्स विद 1 और 9 लाइक 21 ये 1 पे खत्म हो रहा है 29 9 पे खत्म हो रहा है इनके जो स्क्वायर आएंगे उनके लास्ट में क्या आएगा और 3 मैम 7 और 3 क्योंकि मैम 7 को हमेशा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 29 के मैम लास्ट में 1 आएगा एंड व्हाट अबाउट 21 मैम 21 के लास्ट में भी 1 ही आएगा इन दोनों के केस में 1 आएगा 1 ही आएगा अगर नंबर के लास्ट में 1 है या फिर नंबर के लास्ट में 9 है स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आएगा उनके पीछे दोनों केसेस में क्या होगा सेम थिंग अगर आपका नंबर 2 पे खत्म होता है आंसर स्क्वायर वाला किस पे फिनिश होगा 4 पर आएगा मैम 2 पे मैम 2 पे मैम सॉरी मैम 4 पे 4 4 4 पे व्हाट अबाउट 8 मैम 4 अगेन 4 4 तो 2 और 8 के केस में जो स्क्वायर होगा वो कहां फिनिश होगा 4 पे 4 4 पे कंसीडर 3 एंड 7 0 डबल हो जाएंगी अगर एक जीरो है आंसर में 2 आएंगे अगर आपके नंबर में 2 जीरो हैं स्क्वायर करके 4 हो जाएंगे अगर 4 जीरो हैं 8 हो जाएंगी 8 हो जाएंगी ठीक है एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट अ नंबर ऑलवेज हैज इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड स्क्वायर करने के बाद आपका जो आंसर आएगा उसमें हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगी जीरो की जो काउंटिंग है वो इवन होगी दिस वाज जस्ट बेस्ड ऑन द लास्ट डिजिट नाउ इफ योर नंबर इज ऑड इफ योर नंबर इज इवन
what happens to the square. Example, अगर आपका नंबर इवन है या ऑड है, इफ एनी नंबर इज इवन और ऑड, स्क्वायर करके आपको कैसा आंसर मिलेगा? मैम जब इवन होगा तो इवन पर आएगा, ऑड का ऑड आएगा. इवन होगा तो इवन आएगा, ऑड तो ऑड. इवन नंबर का स्क्वायर जो होगा वो इवन होगा, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होगा. ये सिंपल है आपके पास, ठीक है. Now last property here before we start with the exercise. अगर आपके number खत्म होते हैं 1, 4, 5, 6, 9 पे, तो जरूरी नहीं है कि वो perfect squares हो. It doesn't confirm. ठीक है? मैं मैं ऐसे 69 है, वो नहीं हो सकता. 69 नहीं हो सकता. अब मैंने यहाँ पे okay. I want you to just take a look at these examples. मैंने ऐसे numbers की example ली है. देखो ये first two numbers हैं. दोनों के पीछे वन आ रहा है, इनमें से एक परफेक्ट स्क्वायर है, दूसरा नहीं है. Yes, ma'am. फिर मैंने एग्जांपल ली है, 69 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, करेक्ट. 24, 64 दोनों नंबर्स 4 पे खत्म होते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक नहीं है. एंड why we are discussing this, the reason 24 is 24 nahi. Yes, 24 nahi hai. The reason is if you are being given some numbers, aapko koi number de diye, suppose you are given a few numbers, aapko batana hai ki wo perfect square hain ya nahi, to aap kya dekhoge, us number ka last digit dekhoge, theek hai, aur uska last digit dekh ke aap bata sakte ho ki koi chance hai ki ye perfect square hoga ya nahi hoga. And last two properties, these two properties, the ones you can see on the screen, you can use these to decide whether or not the number will be a perfect square or it will never be a perfect square. Agar to number ke piche aa rahe hain, 2 aa raha hai, 3 aa raha hai, 7 aa raha hai, 8 aa raha hai, zeros ki counting odd hai, to aap seedha hi bol doge not possible. लेकिन अगर 1, 4, 5, 6, 9 आ रहे हैं, then the answer will be may or may not be. Yes. ठीक है? वो हम आगे in the later exercises we will learn how to find that out. अगर may or may not be में भी final करना है आपको, वो हम कैसे करेंगे? There are 2 or 3 methods which we can use to identify, give the final answer. I want you to revise these ones. एक बार ये आज सारी properties आप revise करना. In case you have any question, we will discuss that in the next class. And अभी हम आगे properties discuss नहीं करेंगे. I want you to turn to page number. Excuse me, ma'am. Yes. मैम जो नंबर्स मैम 1, 4, 5, 6, 9, 0 से एंड होते हैं मैम, वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं? Not always. Not always. Okay, ma'am. The examples are given to show you that. The examples that I had given here. Ye dekho. Agar koi number 1 pe khatam hota hai, toh it's not 100% sure ke wo perfect square hoga. It may be, it may not be. To ma'am, check case. Tanvir, your voice is breaking beta. I am not sure if you can hear me. Ma'am, main ye pooch raha hu ki ma'am check kaise karna hai hame, ma'am wo always nahi sure. But I'm saying later in the chapter, abhi hum jaise ki ma'am 20 first exercise jo aapki hai na, wo simple properties pe based hai. Uske baad jo next exercise hai, usme fir methods aayenge, how to find out if the number is a perfect square or not, to wo hum baad mein discuss karenge after we complete first. Okay, ma'am. ठीक है, हम लास्ट डिजिट देके कर सकते हैं. ओके मैम, लास्ट डिजिट देके बेटा आप नो का आंसर दे सकते हो, यस का नहीं दे सकते. रिजेक्ट कर सकते हो वैल्यू को, लास्ट डिजिट देके आप रिजेक्ट कर सकते हो. कौन से नंबर्स को रिजेक्ट करोगे आप, जिनके पीछे 2, 3, 7, 8 आ रहा है, जीरोस की काउंटिंग ऑड है, उनको रिजेक्ट कर सकते हो, नो बोल सकते हो आप. बट यस बोलने के लिए आपको फिर और कोई स्टेप करना पड़ता है.
चेक करना पड़ेगा टेबल आने चाहिए मैम 5 5 7 7 टेबल आने चाहिए यस दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू टू लर्न द स्क्वायर्स 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स आपको लर्न करने पड़ेंगे ओके बिफोर इट गेट्स कंफ्यूजिंग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ आप लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज टर्न टू पेज नंबर 96 टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ नंबर्स दिए हुए यहाँ पे आपको बताना है कि अगर इन नंबर्स का आप स्क्वायर करो ये जो नंबर्स दिए हैं अगर आप इनका स्क्वायर करो व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स मैम क्वेश्चन ही समझा दिखा दो आपके पास 81 है 81 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो जो आंसर आएगा उसके लास्ट में क्या आएगा पीछे नहीं जाना आगे जाना है ये भी देखना कहाँ से आया है इसका स्क्वायर कर दो आप 81 का स्क्वायर कर दोगे तो 81 into 81 करोगे अब बताओ आंसर जो आएगा उसके लास्ट में क्या होगा यहाँ पे दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू डू विदाउट डूइंग द वर्क बिना कैलकुलेशन किए आंसर करना है व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन 3853 मैम 3x5 मैम 9 आएगा मैम 33 से 9 यस लेट्स राइट द आंसर मेक अ टेबल फॉर दिस एंड डू इट अलोंगसाइड क्विकली All right. Everyone, look at the screen. आपको ये numbers दिए हैं numbers दिए हुए हैं आपको ये last column का answer बताना है अगर हम इस number का square कर दें what would you have last digit क्या होगा सिर्फ इतना सा काम करना है तो अगर हमें सिर्फ solve कर ही निकल जाएगा ना yes हम सिर्फ last digit की help से answer करेंगे हमें पूरे number की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ इसकी जरूरत है last digit की लास्ट डिजिट हमारा 1 है तो बताओ स्क्वायर करने के बाद लास्ट में क्या आएगा 1 अगर लास्ट में 2 हो मैम 4 आएगा 4 आएगा 4 9 से 1 मैम 1 अबाउट 3 मैम 81 9 आएगा मैम वेरी गुड 4 9 6 मैम 6 4 6 मैम 6 9 बट हम सिर्फ लास्ट बता रहे हैं तो हम सिर्फ जीरो लिख देंगे यहाँ आई थिंक नाउ द क्वेश्चन इज क्लियर परमप्रीत यस मैम यस कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट्स मैम वो भी करा दी हाउ मेनी टाइम्स 5 5 टाइम्स 5 5 ही आया 36 6 का 6 आया 5 का 5 5 बाय दैट्स इट आई थिंक दीक्षा इज हैविंग सम प्रॉब्लम विद द नेटवर्क टुडे शी इज बीन ट्राइंग टू जॉइन द मीटिंग
completed? Ma'am, please wait. Yes. Ma'am, done. Okay. Next question. The following numbers are obviously not perfect squares. अब second question में ये जो आपको numbers दिए हैं, ये सारे के सारे not perfect squares हैं. आपको सिर्फ reason बताना है कि क्यों नहीं है. मैम क्योंकि वो तो इजी है. Property आपने बताई थी 7, 3, 8, 2, 0. मैम यस मैम 7, 3, 8, 2, 4. अब look at the last digit. 7, 2, 4, 7, 8. ये वाले figures. 7 मैम नो. What about these? ये zeros वालों को क्या problem? मैम जब आपने कहा था भी. मैम zero भी नहीं जाएगा. मैम 3 है मैम odd number है. मैम 3 है. थ्री जीरोस है मैम वो ऑड है. ऑड आपने बोला था भी ये चक्कर नंबर ऑफ जीरोस है तो नहीं पॉसिबल. करेक्ट. दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट डाउन द रीजंस ओनली. आई एम गोइंग टू राइट डाउन द रीजंस टुगेदर फॉर सम पार्ट्स. नो 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 यस नो नहीं लिखना. उन्होंने पहले से नो बताया है. आपको बिकॉज वाला पार्ट बताना है. व्हाई. लेट्स राइट डाउन यू इट विल बी क्लियर टू यू व्हाट वी आर सेइंग. पार्ट 1 The number is 1057. Second part, we have 2, 3, 4, 5, 3. Third part, 7, 9, 2, 8. Fourth part, we have 6 times 2. Then, sixth part, 8, 9, 7, 2, 2. मैम फिफ्थ पार्ट नहीं है कोई. फिफ्थ पार्ट का मैम फिफ्थ पार्ट वो मैं सेपरेट लिख रही हूँ. उनका रीजन सेम हो जाएगा. मैम फिफ्थ सेवेंथ एंड एट. ओके मैम बस इसका सिंपल यही लिखना कि अगर एंड्स होते हैं डिजिट से तो वो नहीं होगा. यस दैट्स इट. उन्होंने पहले से कहा था नंबर इवन नंबर ऑफ जीरो से एंड होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा हमेशा. नो नॉट ऑलवेज. यू कैन लुक एट 100 एंड 200. 100 इज 200 इज नॉट. ओके मैम. Note it down. Yes. And please wait. Okay.
those who have done, they can look at the next question. Ma'am, part. Take a look at the question from your book. You have to write down. Okay, you don't have the book with you. Ma'am, hai par kholi. This is the question. Third question. The squares of which of the following would be odd? Ma'am, iska meaning kya hai? ये जो नंबर्स दिए हैं इनमें से किन का स्क्वायर ऑड आएगा मैम फर्स्ट का मैम फर्स्ट एंड थर्ड मैम फर्स्ट का और थर्ड का इफ द नंबर इज ऑड ओनली देन द स्क्वायर विल बी ऑड मैम यस इफ द नंबर इज ऑड फर्स्ट और थर्ड स्क्वायर विल बी ऑड तो आपका फर्स्ट ऑड नंबर है इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर होगा थर्ड पार्ट इज ऑल्सो एन ऑड नंबर इसका स्क्वायर भी क्या होगा ऑड नंबर होगा व्हाट अबाउट सेकंड एंड द फोर्थ पार्ट मैम वो इवन है मैम वो इवन है मैम 4 4 जा 16 और मैम वहां पर तो पहले से इवन ओके परमप्रीत इज इट क्लियर द क्वेश्चन इज क्लियर नाउ मैम एक बार फिर से समझा दो वो पूछ रहे हैं कि ये जो आपको नंबर्स दिए हैं इनमें से स्क्वायर करने पे ऑड आंसर किस में आएगा ओके ठीक है किसका स्क्वायर इन चारों का ना आप स्क्वायर चेक करो 431 2826 7779 82004 स्क्वायर करने पे ऑड आंसर किस पार्ट में आएगा ओके सो दिस इज काइंड ऑफ एन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक एमसीक्यू की तरह है बट आई एम गोइंग टू जस्ट राइट द आंसर here and you can write in the notebook as well the square of an odd number is odd इनके जो स्क्वायर होंगे वो ऑड होंगे एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे द रेस्ट ऑफ द वर्क वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास एंड देयर इज अ चेंज इन योर टाइम टेबल ऑन फ्राइडे यू डोंट हैव अ मैथ्स क्लास मैम ओके ओके मैम ओके मैम अभी तो 5 मिनट पड़े हैं बाय मैम बेटा बट योर क्लास एंड्स एट 11:10 Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, beta. Bye, ma'am. Hope you have noted this down. Bye, ma'am. Yes. Okay. Ma'am, wo PDF. Ma'am, yes. Ma'am, screenshot liya. Ma'am, bheji hui aapne. I have sent already. Yes. Okay. Dekha nahi group. All right.